पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO मुस्तफी हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिचर्ड मॉरन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, सरमायाकार मोहतात। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 730 से ज़ायद पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 35,000 की सतह से नीचे आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 150.30 रुपये का हो गया। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई। एक माह के लिए बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फीन पर आइंदा माह 5 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फीन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमन अमान और मौशी सूरत हाल पर गौर। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की बजट दस्तावेज़ात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त सुनने वाले दोनों जजेस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदालत में कहा, चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू में कहा कि बेंच बदल गया है, अब हमजा को बेल के पीछे छुपने नहीं देंगे। मेरा इस बेंच पर अदम एतमाद है, कोई और बेंच बना दें। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। मियां शहबाज शरीफ 11 जून को वतन वापस आ जाएंगे। नून लीग के वकला ने लाहौर की एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस में हाजिरी लगाकर रवाना। आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमा बैंकिंग कोर्ट से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ अपील दायर। मौकफ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। केस की मुंतकली का फैसला कालादम करार दिया जाए। और कराची सर्कुलर रेलवे बहाली मिशन, रूट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। 11 रोज़ हो गए, मूसा कॉलोनी में एक कार्रवाई। 150 से ज़ायद मकानात गिरा दिए गए।